Subscribe Sapna's Food and Crafts and press the bell icon for all notification. Please like and share. हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना। आपका स्वागत है मेरे चैनल सपना फूड एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खिचड़ी। और ये देखिए, साबूदाना की एक एक दाना इसमें खिला हुआ, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं बनी है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आपको अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके का मोटा साबूदाना, चाहे तो बारीक साबूदाना भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे एक प्लेट में दो बार वॉश कर लेते हैं साफ पानी से। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे वॉश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अभी अच्छे से वॉश हो गया है। अब देखिए, थोड़ा सा पानी हमें छोड़ना है और इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए गलने के लिए हम रख देंगे। साबूदाना अच्छे से गल गए हैं, 5 से 6 घंटे हो गए। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब हमें लेंगे कुछ पीनट्स, मूंगफली के दाने, 2 से 3 हरी मिर्ची जो मैंने बारीक कट कर ली है, सेंधा नमक लिया है जो उपवास में यूज़ किया जाता है, जीरा लिया है और ये किशमिश थोड़ी सी और थोड़ा सा काजू। अब हम एक कढ़ाई में जो मूंगफली के दाने हैं उन्हें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी में या तेल में इन्हें फ्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ कर रही हूँ, इन्हें अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से मूंगफली डालने से साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं बनेगी और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, अच्छे से भून गई है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इनका सारा छिलका निकाल लेंगे। इस तरीके से रब करके आप निकाल लीजिए। ये देखिए, हमने निकाल लिए हैं सारे छिलके। अब इनमें से थोड़ी सी मूंगफली हम साइड में अलग रख लेंगे और बाकी को हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसका एक मैंने पाउडर बना लिया है। हमने एक आलू लिया है, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। देखिए, इस तरीके से ले लीजिए आप। उस तेल को हमने गर्म कर लिया है। अब उसमें जीरा डालेंगे। देखिए, जीरा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दीजिए। देखिए, 2 मिनट बाद हमने हटाया। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची जो है, हरी मिर्ची, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करिए। अब जब तक ये आलू सॉफ्ट ना हो तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, ये आलू सॉफ्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम डाल रहे हैं किशमिश और काजू जो थोड़ा सा तेल में रोस्ट हो जाएंगे। और ये हमें डाल रहे हैं यहाँ पे मूंगफली के दाने। इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे आलू के साथ में। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब इसमें हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सेंधा नमक डाल देंगे हम। ये देखिए, नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाला हमने, इसे भी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, साबूदाना बिल्कुल खिला खिला बना है, एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम लास्ट में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, नींबू से इसका स्वाद भी बढ़ेगा और ये चिपकेगा भी नहीं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। ये देखिए, साबूदाना अच्छे से पक गया है और ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, एक एक दाना खिला हुआ बना है इसका साबूदाने का, बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है। ये देखिए, हमारा साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे।
खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनी है। आपको अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।